दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में एक बैठक के दौरान प्रदेश के कोचिंग संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के परिपालन में बैठक के दौरान ही प्रदेश में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के स्थानों में जल भराव होने पर जल निकासी की व्यवस्था देखने और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा ने बताया कि 16 नगर निगम कमिश्नर्स को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों और अन्य धर्मशालाओं और संस्थाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन सौंपें। वहीं सरकार बेसमेंट में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच कर उनकी जानकारी एकत्रित करेगी। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी SP और हमारी NDRF की टीम और बाकी लोगों को तालमेल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले के पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग ढंग से कंट्रोल